डियर स्पीके, जब आप कहते हैं कि लड़की को गिफ्ट बहुत सोच समझ कर देना चाहिए, सही वक्त पर सही गिफ्ट देना चाहिए, तो आप क्या कहना चाहते हैं? किसी को गिफ्ट देते वक्त किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? प्रकाश करे, अनुकंपा करे, गुरुदेव, रोहित शर्मा, इंडियन आर्मी। देखो रोहित, तुम्हारा जवाब 3 सवालों में पूरा होगा। पहला सवाल है, गिफ्ट कब देना चाहिए? याद रखना, गिफ्ट 2 किस्म के होते हैं। पहला होता है बिजनेस गिफ्ट, दूसरा होता है थैंक्स गिफ्ट। बिजनेस गिफ्ट किसी रिश्ते को शुरू करने से पहले दिया जाता है और थैंक्स गिफ्ट किसी रिश्ते को शुरू करने के बाद दिया जाता है। ध्यान रखना, कभी किसी लड़की को बिजनेस गिफ्ट नहीं देना चाहिए, लड़की को हमेशा थैंक्स गिफ्ट दो। यानी कभी किसी लड़की को रिलेशन शुरू करने से पहले गिफ्ट नहीं देना चाहिए। मैं ऐसे लड़कों को जानता हूँ जो लड़की को प्रपोज करने जाते हैं, पहली बार मिलने जाते हैं तो भी गिफ्ट साथ में लेकर जाते हैं। अगर तुम किसी रिलेशन को शुरू करने से पहले गिफ्ट दोगे तो वो बिजनेस गिफ्ट हो जाएगा। तुम उस लड़की के साथ कोई बिजनेस थोड़ी ना करने जा रहे हो, कोई एग्रीमेंट करने थोड़ी ना जा रहे हो जो तुम गिफ्ट लेकर जा रहे हो। इस बात को हमेशा ध्यान रखना, गिफ्ट अपनों को दिया जाता है, बेगानों को नहीं। अगर तुम किसी लड़की से पहली बार मिलने जा रहे हो तो वो बेगानी है, अगर तुम फर्स्ट डेट पर भी जा रहे हो तो भी वो बेगानी है। लड़की को गिफ्ट तब देना चाहिए जब तुम्हारे रिलेशन को 6-7 महीने बीत गए हो, जब तुम एक दूसरे के बाहों में सुकून महसूस करते हो, जब तुम दोनों सारी हदें पार कर चुके हो, तब लड़की को थैंक्स गिफ्ट देना चाहिए, शुक्रिया के तौर पर कि ए परियों की रानी, तेरा शुक्रिया कि तूने मुझे जिंदगी के वो बेहतरीन पल दिए, कि तूने मुझे वो यादें दी है जो मुझे कभी उदास नहीं होने देंगे, तूने मुझे वो लम्हे दी है जो मुझे कभी अकेलापन महसूस नहीं होने देंगे। इन सुकूनों की कोई कीमत नहीं है, फिर भी शुक्रिया के तौर पर मैं तुम्हें एक गिफ्ट देना चाहता हूँ। गिफ्ट हमेशा बाद में दिया जाता है, और मैं ऐसे गधों को भी जानता हूँ जो लड़की के हाँ करने से पहले ही उसके पीछे गिफ्ट लेकर भागते हैं। लड़की बेचारी आगे आगे भाग रही होती है कि नहीं, मुझे गिफ्ट नहीं चाहिए। तुम्हें कोई अंदाजा भी है बिना किसी रिश्ते के लड़की को गिफ्ट देने से उसकी कितनी इंसल्ट होती है? ये तो ऐसा है कि तुम किसी बेश्या को, अपना जिस्म बेचने वाली को एडवांस पेमेंट दे रहे हो। तुम चाहे ऐसा नहीं सोचते, लेकिन लड़की तो यही सोचेगी ना कि तुम गिफ्ट देकर उसे खरीदना चाहते हो। ऐसा नहीं है कि हमें एक दूसरे को गिफ्ट नहीं देना चाहिए। अगर तुम किसी को प्यार करते हो, पसंद करते हो, तो अपना प्यार दिखाने के लिए गिफ्ट देना चाहिए। लेकिन याद रखना, तोहफा जितनी अच्छी चीज़ है उतनी ही बुरी चीज़ है। कई लोगों के रिश्ते अचानक ख़त्म हो जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं, पर वो लोग कभी समझ नहीं पाते कि इनका इतना बढ़िया रिश्ता कैसे ख़त्म हो गया, वो प्यार अचानक कहाँ खो गया। अगर आज वो लोग ध्यान देंगे तो उनको पता चलेगा कि उनके रिश्ते को उन तोहफों के जहर ने धीरे धीरे बर्बाद कर दिया जो उन्होंने एक दूसरे को दिए थे। एक दूसरे को तोहफे दो, लेकिन याद रखना, कई बार तोहफों की कीमत रिश्तों पर बोझ बन जाती है। इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन अगले सवाल के जवाब में है, तोहफे में क्या देना चाहिए? याद रखना, लड़कियाँ छोटी चीज़ों की तरफ ज़्यादा ध्यान देती है। लड़कों का दिमाग चीज़ों को शेप एंड साइज के आधार पर पसंद करता है, इसलिए वो लड़की को बड़ा और महंगा गिफ्ट लाकर देना चाहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ लड़की को शेप एंड साइज से कोई फर्क नहीं पड़ता। लड़कियां तुम्हारे गिफ्ट में फीलिंग को महसूस करना चाहती है, फिर चाहे तुम्हें उसे रास्ते से कोई पत्थरी उठाकर लाकर क्यों ना दे दो। कई लड़के होते हैं जो लड़की को बड़ा सा टेडी बियर, महंगे मोबाइल या एक साथ कई गिफ्ट लाकर दे देते हैं। नहीं, याद रखना, बड़े और महंगे गिफ्ट तुम्हारे रिश्ते पर जहर का काम करता है, जबकि छोटे और सस्ते गिफ्ट ऑक्सीजन की तरह काम करता है। और कम गिफ्ट दिया करो ताकि लड़की तुम्हारी उस एकलौती निशानी को संभालती फिरे। यह ध्यान रखना, पति और फ्रेंड के मामले में ये कानून नहीं चलेगा। तुम अगर अपनी पत्नी को गिफ्ट दे रहे हो तो महंगा ला कर दो, तुम उसे गहने ला कर दो, सोना चांदी ला कर दो, बड़ा गिफ्ट ला कर दो। और कोई लड़की तुम्हारी जस्ट फ्रेंड है, गर्लफ्रेंड नहीं है, तो तुम उसे भी बहुत सारे गिफ्ट दे सकते हो, उसे महंगा गिफ्ट भी दे सकते हो, वो अलग मामला है। गर्लफ्रेंड के मामले में गिफ्ट छोटे और सस्ते होने चाहिए। उसे कोई झुमके ला दो, किसी हिल स्टेशन से उसके लिए रंग बिरंगा दुपट्टा ले आओ। तुमने कभी सोचा है, सदियों से प्यार में लड़का लड़की के तोहफे में फूल क्यों देता है? रोमियो चला जा रहा है जूलियट से मिलने के लिए, रास्ते में रंग बिरंगे फूल खिले थे, फूल तोड़कर जूलियट के लिए ले गया। बस तुम्हारा गिफ्ट भी किसी फूल जैसा होना चाहिए, जो ना महंगा हो, ना बड़ा हो, ना अजीब हो, ताकि लड़की मरते दम तक उसे अपनी किताबों में छुपा कर रख सके। याद रखना, लड़कियां तुम्हारा दिया हुआ गिफ्ट तुम्हें से छुपा कर रखना चाहती है, इसलिए ऐसा तोहफा ना दो जिसे वो छुपा ना सके। तुम उसे रंग बिरंगा रुमाल ला कर दो, या कोई छोटा सा पत्थर जिस पर उसका नाम खुदा हो, छोटा सा टेडी बियर, कोई छोटा सा चांदी का चम्मच, ऐसी चीज़ें जिसे वो तुमसे छुपा कर रख सके। और जब तुम उससे लड़ो, जब तुम उसे डांटो, तुम नाराज हो जाओ, तो वो छोटा सा चांदी का चम्मच निकाल कर उससे बात करे, तुम्हारी दी हुई रंग बिरंगे रुमाल से अपने आंसू पोछे। हाँ, लेकिन तुम किसी थर्ड क्लास लड़की को पटाना चाहते हो तो उसे महंगा गिफ्ट ला कर दो। वो लड़कियाँ जिनकी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होती, होती है ना लड़कियाँ चवन्नी छाप, जो किसी से भी गिफ्ट लेती फिरती है,
तुम ऐसी भूखी नंगी लड़कियों को रुमाल लाकर दोगे तो वो मुंह बनाने लग पड़ेगी। बोलेगी इसका मैं क्या करूँ। कुछ ऐसी लड़कियाँ होती है, बहुत कम होती है लेकिन होती है, जो अपना बॉयफ्रेंड छोड़कर किसी और के बॉयफ्रेंड से भी गिफ्ट लेती फिरती है। तुम लोगों को पता होना चाहिए मैं यहाँ थर्ड क्लास लड़कियाँ पटाना नहीं सिखा रहा हूँ, मैं यहाँ तुम्हें उन लड़कियों को पटाना सिखा रहा हूँ जिनमें एटीट्यूड होता है, जिन लड़कियों की अपनी वैल्यूज होती है, जिनकी सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, जो किसी राजकुमार का इंतजार कर रही होती है। पढ़ी लिखी लड़कियाँ, घरेलू लड़कियाँ, कॉन्फिडेंट लड़कियाँ, सेल्फ डिपेंडेंट लड़कियाँ, मैं तुम्हें सिखाता हूँ कि फर्स्ट क्लास लड़की से कैसे बिहेव करना चाहिए। मेरे यहाँ सिर्फ उन देवियों की बातें होती है जो डॉक्टर बनना चाहती है, जो पुलिस ऑफिसर बनना चाहती है, जो अपने परिवार और देश की जिम्मेदारी को समझती है, जो अपने शर्तों पर अपनी जिंदगी जीती है, जो आज़ादी लेकर पैदा होती है। तीसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल, गिफ्ट कैसे देना चाहिए। अगर तुम किसी लड़की को गिफ्ट दे रहे हो तो गिफ्ट छुपा कर दो। लड़कों को बड़ा मज़ा आता है कि सारी दुनिया के सामने उनको गिफ्ट मिले, लेकिन लड़कियाँ चाहती है कि उनको गिफ्ट छुपा कर दिया जाए, किसी को पता ना चले कि तुमने उसे गिफ्ट दिया है। हाँ, वो खुद बाद में दिखा दे तो वो अलग बात है, मगर उसे गिफ्ट छुपा कर दो। दूसरी बात, गिफ्ट देते वक्त और किसी बारे में बात मत करो। कई लड़के लड़की को गिफ्ट में दुपट्टा देते हैं और साथ में ये भी कहते हैं वह एक और दुपट्टा था, वो इससे भी ज़्यादा खूबसूरत था, मगर वो महंगा था इसलिए ला नहीं पाया। अरे जो नहीं लाए उसके बारे में बात क्यों करते हो। और सबसे ज़रूरी बात, गिफ्ट देने के बाद गिफ्ट के बारे में कोई बात मत करो। तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज से, तुम्हारे वॉइस टोन से कभी ये नहीं लगना चाहिए कि तुमने गिफ्ट देकर कोई एहसान किया हो। अगर लड़की ने तुम्हारे दिए झुमके पहन रखे हैं तो उन झुमकों को घूर के मत रहा करो। गिफ्ट देकर गिफ्ट को किसी सपने की तरह भूल जाओ। लड़की कभी तुम्हारे मुँह से सुनना नहीं चाहती कि तुमने उसके लिए कुछ किया हो। कई बार आपने देखा होगा लोग अपने पत्नी को कुछ भी लाकर दे दें, पत्नी अगले दिन कहती है कि तुमने मेरे लिए कुछ नहीं लाया, तुमने मुझे कुछ नहीं दिया। अगर इस फंडे को समझ गए तो ज़िंदगी भर ऐश करोगे। वीडियो को लाइक करो। गिफ्ट के बारे में कोई सवाल या सजेशन हो तो कमेंट करके ज़रूर बताओ। किसी का गिफ्टिंग सेंस बढ़ाना है तो उसके साथ वीडियो को शेयर करो। और अगर मेरे वीडियोस को पहली बार सुन रहे हो तो सब्सक्राइब करो और बेल नोटिफिकेशन ऑन करो। मैं मिलता हूँ और एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।